तो अब मैं आपको बताऊंगी आपकी चंद्र राशि पर आधारित 12 राशियों के लिए सूर्य और राहु की युति से बनने जा रहा ये ग्रहण योग क्या कुछ खास लाने वाला है। ये प्रत्येक राशियों के जातकों के दैनिक जीवन में क्या बड़े बदलाव लाएगा, साथ में हम जानेंगे कि आपकी राशि से जुड़ा खास उपाय। हेलो, आत्मा नमस्ते। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। सूर्य का मेष राशि में गोचर 14 अप्रैल को शुक्रवार को दोपहर 2:42 पर होने जा रहा है और ये 15 मई 2023 तक राशि चक्र की पहली राशि मेष में ही रहेंगे। साथ ही मेष राशि में राहु भी स्थित है जिससे सूर्य और राहु की युति का निर्माण हो रहा है जो कि एक ग्रहण योग बनाता है। इसके 6 दिन बाद ही साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है, लेकिन ये सूर्य ग्रहण जो है वो भारत में दिखाई नहीं देगा। लेकिन जिन भी लोगों की कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ विराजमान होंगे उन लोगों को 45 दिनों तक सावधान रहने की जरूरत है। सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य शुभ होने पर आपको आपके जीवन में संतुष्टि मान सम्मान मिलता है और अच्छी सेहत भी हमें सूर्य ही देता है। कुंडली में सूर्य की मजबूत स्थिति करियर में उच्च पद यानी कि प्रमोशन, सरकारी अफसर ये सब हमें दिलाती है। वहीं कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति कमजोर हो और कहीं राहु और केतु जैसे ग्रहों के साथ मौजूद हो तो आपको आपके जीवन में मान सम्मान की कमी आ सकती है, आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी आपकी चंद्र राशि पर आधारित 12 राशियों के लिए सूर्य और राहु की युति से बनने जा रहा ये ग्रहण योग क्या कुछ खास लाने वाला है। ये प्रत्येक राशियों के जातकों के दैनिक जीवन में क्या बड़े बदलाव लाएगा, साथ में हम जानेंगे कि आपकी राशि से जुड़ा खास उपाय। At Under Lucky Stars, we make custom star map showing the unique alignment of the stars above you in a special moment of your life. Select the time and place of your memory to map. Add your own title and select and your favorite style. It is the perfect gift for anniversaries, weddings, birthdays, or any special moment. UnderLuckyStars.com. Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। आइए बात करते हैं हमारी पहली मेष राशि की। सूर्य का गोचर आपकी पहली राशि मेष में ही होगा। मेष जो कि सूर्य की उच्च राशि है, सूर्य हर तरह से आपको लाभ के नए अवसर बनाएगा, लेकिन सूर्य और राहु ग्रहण योग आपके भाव में बना रहा है। इसके कारण आपको कहीं ना कहीं बाधाएं भी दिखेंगी। बलवान सूर्य आपको कठिनाई परिस्थितियों से मुक्ति तो दिलाएगा, लेकिन ये जो युति बन रही है राहु और सूर्य की, ये आपके स्वास्थ्य को लेके थोड़ी चिंताशील रहेगी। आप अपने शरीर में विटामिन ए और विटामिन डी की कमी ना होने दें। शासन और सत्ता का पूर्ण आपको सहयोग मिलेगा। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में अगर आप किसी प्रकार का नया टेंडर डालना चाहते हैं तो ये गोचर आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। संतान की सेहत को लेकर आपको दिक्कत आ सकती है तो सावधान रहिएगा। पहले भाव में सूर्य देव आपकी कुंडली के 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर आपको सावधान रहना है और आपको अपने लाइफ पार्टनर से रिलेशन में भी अलर्ट रहने की जरूरत है, कहा सुनी हो सकती है। आपके लिए जो खास उपाय है, क्योंकि ये ग्रहण योग मेष राशि वालों के कुंडली में बन रहा है, मेष राशि के भाव में बन रहा है, इसलिए आप इससे राहत पाने के लिए 45 डेज तक सूर्य मंत्र का हर रोज 108 बारी मंत्र जाप करें। अब बात करते हैं हमारी दूसरी वृषभ राशि के बारे में।
ये आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहा है। 12वां भाव जो है वो डिफिकल्टीज, हानि, हॉस्पिटल, इन सबको बताता है। तो आपको संभल कर चलने की जरूरत है इस गोचर के दौरान। आपके ज्यादा भागदौड़ आपकी बढ़ सकती है। विदेश मित्रों या आपके जो विदेश संबंधी हैं, बाहर आपके कोई संबंधी रहते हैं, तो उनसे आपको कोई दुखद समाचार भी मिल सकता है। परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाएंगी कि आपके खर्चे भी दुगने बढ़ जाएंगे। इसके अलावा परिवार संबंधों में भी आपको कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगेगी। घर में किसी कार्य के चलते आपके पैसे खर्च होंगे, जिससे आप अपना पैसा भी नहीं बचा पाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। परिवार के सदस्यों में आपस में मतभेद हो सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक शांति भंग हो जाए। आपकी सेहत के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको पाचन शक्ति यानी कि डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, गले में कोई इन्फेक्शन हो सकता है या आपको चक्कर जैसा भी महसूस हो सकता है। इसलिए आप अपनी हेल्थ को ज़्यादा ध्यान रखिएगा। चिंता लगे तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा। 12वें भाव से सूर्य आपकी कुंडली के 6ठे भाव में दृष्टि डाल रहा है और ऐसे में इस गोचर के दौरान आपके झगड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस हद तक बढ़ जाएंगे कि कोर्ट कचहरी तक आपके झगड़े विवाद जो हैं वो जा सकते हैं, इसलिए सावधानी रखिएगा। इस समय में किसी को आप कोई भी धन उधार नहीं दीजिएगा, अगर देंगे तो वो वापस समय पर आपको वापस नहीं मिलेगा। कोई भी कार्य अथवा किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले उसे अच्छे से पढ़िएगा। उसमें जो शर्त लिखी हुई होती है, नोट्स लिखे हुए होते हैं, इम्पोर्टेंट लिखा हुआ होता है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। आपके ऑफिस में आप अपनी मेहनत तो पूरी देंगे, लेकिन आपको जब उसके फल नहीं मिलेंगे तो आप थोड़े से चिड़चिड़े रहेंगे। आपके लिए जो खास उपाय है, रविवार के दिन आप अपने घर के बाहर दरवाजे पे, अपनी घर के चौखट पे दोनों तरफ आपको देसी घी का दिया जलाना है। अब बात करते हैं हमारी तीसरी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। सूर्य आपकी कुंडली के 11वें भाव में गोचर करने जा रहा है। आपके आय के रास्ते जो है वो खुलेंगे। काफी दिनों का दिया गया हुआ धन आपके पास वापस लौटकर आ सकता है, लेकिन इस टाइम पे आप किसी गलत संगति में फंस सकते हैं, उससे आपको बचना होगा। कोई गलत नशीले पदार्थों का सेवन में आप लग सकते हैं, उससे आपको बचना होगा। परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनसे आपके मतभेद हो सकते हैं। सेहत के लिहाज से देखें तो आपका स्वास्थ्य जो है इस गोचर में अच्छा रहेगा और आपको कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। 11वें भाव से सूर्य आपकी कुंडली के 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जिससे आपको अपने बच्चों के माध्यम से कोई खुशखबरी मिल सकती है। जो विद्यार्थी हैं वो अच्छी परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट, शेयर बाजार, सट्टे की मदद से भी आप धन बिल्कुल कमा सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी ये गोचर शानदार रहेगा। इस दौरान जो प्रेमी जोड़े हैं उनका रिश्ता जो है बेहतर होगा। एक दूसरे के साथ आप बेहतर ढंग से एक दूसरे को समझेंगे। आपके लिए जो खास उपाय है, रविवार के दिन अपने माथे पर आप सफेद चंदन का तिलक लगाएं। अब बात करते हैं हमारी चौथी कर्क राशि के बारे में। सूर्य आपके 10वें भाव में गोचर करने जा रहा है। कार्य व्यापार में आपको उन्नति मिलेगी। किसी भी तरह के नए पेपर पर आप अगर साइन कर रहे हैं तो ये साइन आप कर सकते हैं। कोई नई डील साइन कर रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए सही है। आप कार्यस्थल पर अपने साथियों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका प्रमोशन का भी योग इस गोचर के दौरान बन रहा है। जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उसमें भी आप सफल होंगे। सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। 10वें भाव से सूर्य आपकी कुंडली के 4थे भाव में दृष्टि डाल रहा है, तो परिवार में कुछ मांगलिक कार्य के अवसर बन रहे हैं। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों का निपटारा होगा।
आप अगर मकान या वाहन कुछ खरीदना चाहते हैं तो इस गोचर के दौरान आप खरीद पाएंगे। आपके लिए जो खास उपाय है, रविवार के दिन आप बहते हुए पानी में गुड़ और चावल मिलाकर उसको जल प्रवाह करें। अब बात करते हैं हमारी पांचवी सिंह राशि के जातकों के बारे में। सूर्य आपकी कुंडली के नौवें भाव में गोचर करेगा। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों के लिए आप अनाथालयों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य करेंगे। विदेश जाने के आपको मौके मिलेंगे और ये आपके लिए लाभकारी योग रहेगा। नौवें भाव से सूर्य आपके तीसरे भाव पे दृष्टि डाल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप बड़ी से बड़ी परिस्थितियों का सामना अच्छे से कर पाएंगे। आपके परिवार में जो छोटे भाई बहन हैं उनसे थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, तो अपनी वाणी पर, अपने अहंकार पर आप कंट्रोल करिएगा। आपके लिए जो खास उपाय है, रविवार के दिन सूर्य अस्त के बाद आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आटे का चौमुखी दीपक जलाएं। अब बात करते हैं हमारी छठी कन्या राशि के जातकों के बारे में। सूर्य आपके आठवें भाव में गोचर करेगा, जो कि आपको अचानक से मुसीबतों का आपको इस गोचर के दौरान सामना करना पड़ जाएगा। स्वास्थ्य का आपको ख्याल ध्यान रखने की जरूरत है। आपको पेट संबंधी सिर दर्द जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। आप झगड़े विवाद तथा कोर्ट कचहरी के संबंधित जो मामले हैं वो आप कोर्ट के बाहर ही सुलझा लें। आपस में साझेदारी करके आप इन मामलों को सुलझा लें। विदेश जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा, लेकिन जो ये ट्रैवलिंग होगी, जिस काम के लिए आप जाएंगे, वो आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा। चोट दुर्घटना का सामना आपको करना पड़ सकता है। आठवें भाव से सूर्य आपकी कुंडली के दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपको अपने ही परिवार के लोग जो हैं वो नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, सावधान रहें। धन हानि हो सकती है, अधिक खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको पहले से ही योजना बनानी होगी कि आप किस तरीके से अपने धन को बचाकर रखें। आपके लिए जो खास उपाय है, रविवार के दिन आप मछलियों को आटे की गोली बनाकर खिलाएं। अब बात करते हैं हमारी सातवीं तुला राशि के जातकों के बारे में। सूर्य आपके सातवें भाव में गोचर करने जा रहा है। कार्य व्यापार में आपको उन्नति मिलेगी। किसी भी नई तरीके के हस्ताक्षर आप करना चाहते हैं, कोई नई डील साइन करना चाहते हैं, तो ये गोचर आपके लिए सही रहेगा। हस्बैंड और वाइफ के बीच में थोड़ी सी मनमुटाव हो सकते हैं। इस अवधि में आप व्यापार में पार्टनरशिप करने से बचें। आपके जीवन साथी की सेहत भी खराब हो सकती है, जिसके चलते आपके धन भी खर्च हो सकता है। सूर्य आपके सातवें भाव से पहले भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जिस कारण आपके स्वभाव में थोड़ा सा अहंकार बढ़ेगा और आपको अपनी सेहत में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। आपके लिए जो खास उपाय है, रविवार के दिन आप एक तांबे के लोटे में गेहूं भर के किसी ब्राह्मण को दान करें। अब बात करते हैं हमारी आठवीं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। सूर्य आपके छठे भाव यानी कि शत्रु स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा के भाव में गोचर करेगा। आपके गुप्त शत्रु आपके सामने एकदम से आएंगे और आपको हराने की कोशिश करेंगे। इस गोचर में आप अपने काम में खूब मेहनत करते हुए नजर आएंगे। जॉब प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट के योग आपको इस गोचर में मिलेंगे। आप अगर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। ये भी संभव है कि आप इस गोचर के दौरान लोन लें और फिर उसी के माध्यम से आपको आर्थिक लाभ होगा। सूर्यदेव छठे भाव से आपकी कुंडली के बारहवें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में जो निर्णय है वो आपके पक्ष में रहेगा। विदेशी कंपनियों में जो सर्विस के लिए, जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, उनको इस गोचर में जॉब मिल सकती है। आपके लिए जो खास उपाय है, रविवार के दिन अपने नहाने के पानी में आप लाल चंदन डालकर स्नान करें। अब बात करते हैं हमारी नौवीं धनु राशि के जातकों के बारे में। सूर्य आपकी पांचवें भाव में गोचर करेंगे। एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को
इस गोचर में सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थियों के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा, परीक्षा में जो बैठ रहे हैं उनके लिए अंक अच्छे उनको मिलेंगे। प्रेम संबंधी मामलों में थोड़ा सा आपको संभल के चलने की जरूरत है। इस दौरान आपको उधार दिए गए पैसे भी वापस मिलने की संभावना है। पांचवें भाव से सूर्य आपकी कुंडली के 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि ये दर्शाता है कि आपके जीवन में विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न रस्तों से आपको लाभ प्राप्त होगा और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में सफल होंगे। आपके लिए जो खास उपाय है, रविवार के दिन आप 3 झाड़ू खरीदें। इन 3 झाड़ू को आप खरीद कर अपने मंदिर में रखें और अगले दिन यानी सोमवार के दिन इन 3 झाड़ू को आप अपने पास के किसी मंदिर में दान कर दें। अब बात करते हैं हमारी 10वीं मकर राशि के जातकों के बारे में। सूर्य आपके 4थे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का 4थे भाव में होना आपके लिए आर्थिक खर्चों को दर्शाता है। इस दौरान आपको परिवार पर अधिक धन खर्चा करना पड़ सकता है और आपको अधिक नुकसान भी हो सकता है। आपको माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी चिंता हो सकती है। आपके मित्रों तथा संबंधियों से आपको कुछ दुखद समाचार भी मिल सकता है। कोई अगर यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान पूर्वक यात्रा करें। आपके घर का कोई सामान भी चोरी हो सकता है तो थोड़े से चौकन्ने रहें। 4थे भाव से सूर्य आपकी कुंडली के 10वें भाव पे दृष्टि डाल रहा है। आपको आपके कार्य व्यापार में सफलता मिलेगी, पर कहीं ना कहीं आपको मानसिक अशांति भी बनी रहेगी। आप पे काम का प्रेशर अधिक हो सकता है। आपके लिए जो खास उपाय है, रविवार को गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांधकर दान करें। अब बात करते हैं हमारी 11वीं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। सूर्य आपके 3रे भाव में गोचर करेगा। आप जो आउटसोर्सिंग है उसकी मदद से इस गोचर के दौरान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। विदेश में नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनको धन लाभ हो सकता है। परिवार में छोटे भाइयों से थोड़ा सा मतभेद रहेगा तो अपनी वाणी पे, अपने ईगो पे आप कंट्रोल करें। आपके लिए जो खास उपाय है, रविवार को गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बारी जाप करें। अब बात करते हैं हमारी 12वीं मीन राशि के जातकों के बारे में। सूर्य आपके 2रे भाव में गोचर करेगा। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। इस दौरान आप देखेंगे कि आप में थोड़ा सा अहंकार आ गया है, जिस कारण आप अपने परिवारजनों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको धन लाभ कमाने में परेशानी का सामना करना होगा। इसके अलावा आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। आपको इस गोचर के दौरान अधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ने की मैं सलाह देती हूँ। आपको स्वास्थ्य पर आपके धन खर्चा हो सकता है, ऐसे में आप बचत करने में असफल रहेंगे। सूर्य का प्रभाव आपके स्वास्थ्य, विशेष करके आपकी दाहिनी आंख से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत दिखा रहा है। 2रे भाव से सूर्य आपकी कुंडली के 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। काफी दिनों का दिया हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। ऐसे में आप अपने आप को अपने परिवार से दूर करने की कोशिश करेंगे। कहीं आप अलगाव महसूस करेंगे अपने परिवार जनों से। आपके लिए जो खास उपाय है, आप 30 रविवार व्रत रखें। सो इसी के साथ मेरी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माई नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।